दिगरस तहसील के तूप टाकली में स्थित डॉक्टर एडी अतिवार विद्यालय में बीते कुछ सालों से स्कूल की ओर से विद्यार्थी कल्याण निधि योजना यह अनोखा उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को श्रमदान और स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अनोखी पहल पर पेश है दिगरस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर में विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूलों की वैसे तो कोई कमी नहीं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को स्वावलंबन और श्रमदान का पाठ पढ़ाने वाले विद्यालय बेहद कम है। इन्हीं में से एक है दिगरस तहसील के टुपटाकली गांव का विद्यालय, जिसका नाम डॉक्टर एडी अतिवार हाई स्कूल है। इस स्कूल में विद्यार्थी कल्याण निधि योजना के तहत कई नवीनतापूर्ण उपक्रम चलाए जाते हैं। विविध उपक्रमों की पहल से इकट्ठा होने वाला निधि स्कूल के गरीब और किसानों के बच्चों के लिए मदद के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। हाल ही में यहां मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों ने रद्दी के कागज से मेडिकल स्टोर्स के लिए उपयोगी लिफाफे यानी पैकेट्स बना कर दिए और दिगरस मेडिकल एसोसिएशन को सुपुर्द किए। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित करीब 51,000 पैकेट्स को मेडिकल एसोसिएशन ने हाथों हाथ खरीद कर विद्यार्थी कल्याण निधि में 15,000 की सहायता निधि जमा कर एक प्रेरक मिसाल कायम की है। हमको बहुत अच्छा लगा उस स्कूल के कार्यक्रम में, हमको उसमें बुलाया गया था और वहाँ के जो बच्चे हैं जो श्रमदान कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ है। उस श्रमदान के लिए हमको डोनेशन डिमांड किया था। जो मेडिकल एसोसिएशन को लगने वाले पैकेट है, मेडिकल दुकानों में लगने वाले पैकेट बनाए उन्होंने करीब करीब 51,000 पैकेट बनाए और उसमें हमने उनको उनका जो डिमांड था डोनेशन का 11,000, उसकी जगह हमारे जिला संगठन के सुनील भोरसल कर उन्होंने 15,000 का डोनेशन डिक्लेयर किया है और इसके आगे भी वो इस प्रकार के अच्छे क्वालिटी के अच्छे पैकेट बनाएंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम उनके पूरे पैकेट कॉस्ट प्लस डोनेशन उनको इंकरेज करने के लिए हमने उनको आश्वासन दिया है। और हमको उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उसमें नीरज सर जो टाइडे है उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उनको ये डोनेशन बढ़ा कर दिया है। इस काबिले तारीफ पहल पर दिगरस तहसील के गट शिक्षण अधिकारी मुकेश कोंडावार ने भी खुशी जाहिर करते हुए इस अनोखी पहल की संकल्पना को हकीकत में साकार करने वाले स्कूल के शिक्षक नीलेश ताड़े और केशव धोंगड़े की सराहना की और इसके साथ ही इस पहल को अमल में लाने वाले स्कूल प्रशासन सहित मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दी गई मदद को काबिले तारीफ करार दिया। विशेष महत्वाची बाब म्हणजे दिगरस मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डोसानी जी, हर्सुलकर जी, लोखंडे भाऊ यांनी 15,000 रुपयाच्या स्वेच्छा निधी सहयोग राशी शाळेला देऊन विद्यार्थी कल्याण निधी म्हणजे त्यांचं योगदान देऊन ती सर्व पाकिट विकत घेतली। एवढंच नव्हे तर शाळेला आणि विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केलं की तुम्ही अशी कितीही पाकिट बनवा, लाखामध्ये जरी असलं तरी आम्ही ते तुमच्याकडनं विकत घेऊ, ग्राहकांपर्यंत पोहोचू आणि त्याचा योग्य असा मोबदला देऊ। मी सुद्धा या प्रसंगी विद्यार्थ्यांना एक चॅलेंज दिलं की 30 एप्रिल पर्यंत तुम्ही सुद्धा शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही असे पाकिट बनवा, त्याकरता रद्दी, गोंद आणि कच्चं साहित्य मी तुम्हाला विनामूल्य उपलब्ध करून देईल। आपण ते सर्व साहित्य दिगरस मेडिकल असोसिएशनला देऊ असं मी त्यांना आवाहन केलं आणि विद्यार्थी आणि शाळेतल्या सर्व शिक्षकांनी त्यामध्ये सहभागी होण्याचं मनापासून आनंदानं कबूल केलं। मी शाळेचं या उपक्रमाबद्दल अभिनंदन करतो। शासनाच्या सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री सुंदर शाळा माझी शाळा या उपक्रमामध्ये सुद्धा ही शाळा समाविष्ट असून हा उपक्रम त्यामध्ये त्याचा सुद्धा एक भाग आहे। एकंदरीत अतिवार हायस्कूल तुपटाकळी हे एक नाविन्यपूर्ण विद्यार्थी हिताचा कार्यक्रम करणारी गुणवत्ताला विकास देणारी अतिशय चांगली शाळा आहे। मी शाळेच्या मुख्याध्यापक अंबरकर सरांचं, सर्व स्टाफचं, विशेषतः दिगरस मेडिकल असोसिएशनचं अभिनंदन करतो। धन्यवाद। इस मौके पर स्कूल के मुख्य अध्यापक मंगेश अंबरकर ने बताया कि उनकी स्कूल की इस पहल को उम्दा समर्थन मिल रहा है। आगे भी जरूरतमंद, बेसहारा और गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। या योजनेचे शिल्पकार आमचे शाळेतील शिक्षक निलेश ताडे, केशव धोंगडे यांनी या योजनेला मूर्त स्वरूप दिलेलं आहे आणि दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं वेगवेगळे उपक्रम या अंतर्गत राबवले जातात। यावर्षी विद्यार्थ्यांनी जे रद्दी वगैरे आहे त्या रद्दीपासून पाकिट तयार केले आणि ते विद्यार्थ्यांनी स्वतः पाकिट तयार करून या सहायता निधीला ते सुपूर्त केले आणि आम्ही हे सर्व पाकिटं मेडिकल असोसिएशननी आमच्याकडून घेतले आणि त्या बदल्यामध्ये आम्हाला 15,000 रुपये दिले। परंतु आमच्या विद्यार्थ्यांनी हे पाकिट तयार करून एक रुपयाही मोबदला न घेता ते या
आलेली सर्व रक्कम विद्यार्थी कल्याण निधीमध्ये जमा केली. म्हणजेच त्यांच्या या विद्यार्थी दशेमध्ये श्रमाचं महत्व तसेच स्वयंरोजगार अशा प्रकारचे वेगवेगळे गोष्टी त्यांना या उपक्रमातून मिळालेल्या आहेत. आणि निश्चितच या निधीतून आणखी जास्तीत जास्त गरीब विद्यार्थ्यांना ज्यांना आई वडील नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल या दृष्टीने पुढेही सातत्याने अशा प्रकारचे उपक्रम सुरू राहील. धन्यवाद. विद्यार्थी कल्याण निधि के तहत आयोजित विभिन्न उपक्रमों में हिस्सा लेने वाले स्कूल के होनहार छात्र और छात्राओं ने भी इन BCN के समक्ष अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपनी भावनाएं बेहद सुलझे हुए अंदाज में व्यक्त की हैं, जिन्हें सुनकर यकीन हो जाता है कि इस स्कूल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की मेहनत रंग ला रही है. दरवर्षी आमच्या शाळेत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येतात, जसं की नैसर्गिक संसाधनांपासून रांगोळी, महानाटिका. त्याचमधील आम्ही यावर्षी एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवला, ते म्हणजे टाकाऊ कागदापासून मेडिकलमधील लागणारे पॉकेट. तर या उपक्रमामागील उद्देश असा की या पॉकेटापासून मिळणारी निधी आमच्या कल्याण निधीमध्ये जमा होणार आहे आणि त्या निधीचा उपयोग आमच्या शाळेतील ज्या विद्यार्थ्यांना आई किंवा वडील नाही अशा विद्यार्थ्यांना मदत होईल. तर या उपक्रम मध्ये खूप विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, मी पण घेतला. हे पॉकेट करत असताना मला खूप छान वाटले. ज्याप्रमाणे जंगलात आग लागते व खारुताई ती आग विझण्याचा प्रयत्न करत असते, जंगलातले दुसरे प्राणी तिला येऊन म्हणतात, अगं पळ खारुताई, आग लागली तरी काय करत आहे? तर ती म्हणते, नाही, हे माझं जंगल आहे, हे माझं घर आहे, मी हे आग विझण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करेन. त्याचप्रमाणे माझ्या परीने जेवढे पॉकेट झाले ते मी केले. कदाचित माझा नंबर या स्पर्धेत येऊ शकला नाही, परंतु मी जे काही 400-500 पॉकेट केले हे करताना मला खूप छान वाटले. हे पॉकेट करत असताना मला माझ्या आई वडिलांनी, माझ्या बहिणींनी मदत केली. मला खूप आनंद होत आहे की मी या कल्याण निधीमध्ये माझा हातभार लावला. मी आज रोजी या निधीमध्ये फुल नाही तर फुलाची पाकळी दिली आहे. पण भविष्यात मी जर कुठे चांगल्या कामी लागलो, कुठल्याशी चांगल्याशा नोकरीवर लागलो, तर मी नक्कीच या कल्याण निधीमध्ये फुलाचा माळ देणार. कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर AD अत्तेवार स्कूल के शिक्षकों द्वारा शुरू की गई विद्यार्थी कल्याण निधि योजना अपने आप में सेवा भाव और सामाजिक दायित्व की न सिर्फ अनूठी मिसाल बन चुकी है, बल्कि विद्यार्थियों को श्रमदान और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाकर उन्हें अपने आप आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है. इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है. NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट.